अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो, कई सालों से कर रहे हो, या यूं कहिए करते करते थक गए हो, फिर भी उस चीज़ को करने में मज़ा नहीं आ रहा, या उस चीज़ को अब जो लेवल तक आप लेना लेके जाने वाले थे वहाँ तक आप पहुँचे नहीं, इन सब की वजह क्या है? तो इन सब की वजह एक ही है, आपकी ऑर्डिनरी थिंकिंग। ऑर्डिनरी इसलिए कि आपकी थिंकिंग की एक रेंज है, उसके बाहर से आप चीज़ों को देख नहीं पाते। इसको कहते हैं कंफर्ट जोन। जब तक आपको जॉब में या आपके बिजनेस में या आपकी करियर में ये चीज़ें करते हुए आप इनको एंजॉय नहीं कर रहे हो, ये सब आपको बोरिंग लग रहा है, तब भी आप आपकी चीज़ों को कर रहे हैं, तभी आप कुछ लोग होते हैं कि ऐसी चीज़ों में अपनी फील्ड छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग तंग आके परेशान होके अपनी फील्ड छोड़ते हैं, लेकिन आपको उसी फील्ड में आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करनी है। वो नहीं करना है जो 90% लोग कर रहे हैं, बल्कि वो करना है जो 10% लोग भी करने से डरते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखता हूँ, एक एग्जाम्पल बताता हूँ। एक बार एक बच्चा पेन से लिख रहा होता है किताब के अंदर, और लिखते लिखते वो पेन लिखना छोड़ देता है। मतलब कि वजह की वजह से वो पेन बंद पड़ता है। उसके इस कंडीशन में अगर एक दो बच्चों को अगर आप एनालाइज करते हो, तो एक बच्चा है कि ये मेरे साथ ऐसा होता है, हर बार मुझे मम्मी पापा ऐसे ही पेन देते करके वो पेन फेंक देता है। और दूसरा जो है वो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करता है कि उसका जो पेन है उसको खोल के साइड में रखता है, उसकी जो अंदर की जो पेन के अंदर एक रिफिल होती है वो रिफिल को निकालता है, और रिफिल में थोड़ा सा हवा भरता है और फिर पेन में लगाता है, और फिर वो पेन चलने लगती है। तो इसको कहते हैं आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। तो यही आपको भी आपकी ज़िंदगी में करना है। जब आप जो कर रहे हो, जो करियर कर रहे हो, या बिजनेस कर रहे हो, या स्टूडेंट हो, उसमें कुछ भी मज़ा नहीं आ रहा, तो क्या करना है कि आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करनी है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। इसके लिए मैं 5 टिप्स आपको बताऊंगा। पहले है स्टॉप। स्टॉप के अंदर आपको करना क्या है कि अभी प्रेजेंटली आप जो भी कर रहे हो उसको तुरंत स्टॉप कीजिए। उसकी चीज़ के बारे में बिल्कुल सोचना बंद कीजिए। जहाँ तक आप जा चुके हैं वहीं पे छोड़ दीजिए। टेक अ ब्रेक, कहीं पे हॉलीडे पे जाइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन प्रेजेंट मोमेंट में वो चीज़ को स्टॉप कीजिए। फिर 2 नंबर है थिंक। थिंक करने के लिए जब आप फ्रेश माइंड लेके आओगे, तब नई न्यू न्यू आइडियाज़ आपके दिमाग में आ जाएंगे। इस आइडिया का उपयोग आपको बिजनेस में, आप अगर स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट में, करियर में बहुत अच्छे से आइडिया आपको निकल के सामने आ जाएंगे। इन आइडियाओं में से नंबर 3 टिप्स है डिसाइड। इनमें से कौन से मैं कौन से क्या करने वाला हूँ, इसकी एक लिस्ट बनाई है जिसमें का नाम ले लिया है डिसाइड। डिसाइड करने के बाद 4th ऑप्शन है गो, एंड देन आपको जो भी आप कर रहे हैं उस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। कंफर्ट जोन, और एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे वो बताना चाहूँगा। कंफर्ट जोन आपकी सोच में लाना है। एक बार और सुन लीजिए, कंफर्ट जोन आपकी सोच में लाना है, ना कि फिजिकली कंफर्ट जोन। इट्स अ मेंटली कंफर्ट जोन। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।